तो डायमंड ड्रीमर कार्ड यानी कि आपकी सफलता की कुंजी कैसे हाथ में लगी? क्योंकि कुछ लोगों के लिए मटेरियल वेल्थ का पाना यानी कि धन संग्रह करना, घर बनाना, गाड़ियां रखना, ये सब कुछ उनके लिए सफलता की निशानी होती है। किसी के लिए एक अच्छा सक्सेसफुल करियर होना, एक बड़ी ऑफिसर ग्रेड सर्विस होना उनके लिए सफलता की निशानी होती है। और कुछ लोगों के लिए एक शांत परिवार, एक खुश परिवार, हस्बैंड वाइफ, एक सिंपल सी लाइफ उनके लिए सफलता की निशानी होती है। और कुछ लोगों के लिए अध्यात्म में उन्नति करना, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करना, वो उनके लिए सफलता की निशानी होती है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपके लिए सफलता की कुंजी से पहले ताला तो निर्धारित कीजिए कि आप कौन से ताले की चाबी खोलना चाहते हैं, आप कौन सी सक्सेस का डोर ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के लिए बड़ा सोचिए, बिग सोचिए, और उसके बाद में जब आप उस चीज़ को पाएंगे तो ही एक्चुअल में आप सक्सेस होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं और आपको कोई लाकर 10 करोड़ रुपए दे दे, अगर आप एक फैमिली लाइफ चाहते हैं और आपको कोई लाकर 10 करोड़ रुपए दे दे, अब दुनिया की नज़रों में आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे, इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपकी नज़र में आप खुश नहीं होंगे, आपकी नज़र में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपने पैसा मांगा ही नहीं था, आपने फैमिली मांगा था। ठीक है, तो इसी तरह से आप ईश्वर से क्या चाहते हैं, आप भगवान से क्या चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप उसको ठीक तरीके से डेफिनेशन दीजिए। मेरे लिए ट्रू प्रॉस्पेरिटी ये है, मेरे लिए सक्सेस ये है, और मैं ऐसी सक्सेस अपने लिए चाहता हूँ, वो सपना देखना शुरू कीजिए, वो लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और उसके बाद उस स्पेसिफिक लक्ष्य पर, उस स्पेसिफिक ड्रीम को पूरा करने की दिशा में आपको बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक एल्केमिस्ट नज़र आ रहा है, एक अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ पर एक अरेबियन कैरेक्टर है, और वो जैसे लोहे से सोना या किसी और धातु से सोना बनाने की जो एल्केमी होती है, वो एल्केमी यहाँ पर चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यार ये कार्ड जो है ना वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपने पहले निर्धारित किया कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद अब उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कैसे करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाए कैसे। तो आप में से बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग जानते होंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य है और अगर हम उसको पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए काम तो करना ही होता है, लेकिन उसके लिए पहला काम हमको उसके सपना देखना शुरू करना पड़ता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं, यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करने के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आप अपनी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना होगा, आपको उस चीज़ को पाने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। ओके, और आज दिन तक भी आप अगर आप ध्यान देखोगे, अगर आप आँख बंद करके 2 मिनट विचार करोगे, तो आप जो ज़िंदगी आप आज जी रहे हो ना, ये आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसी मैनिफेस्ट करी होगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये दुख हमने मैनिफेस्ट नहीं किए, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने मैनिफेस्ट नहीं की, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने नहीं की तो आपके डरों ने कर दी, आपकी थिंकिंग ही, जो आप सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप डर कर जिए हो अब तक, अगर आप घबराहट में जिए हो, अगर आप अनसर्टेनिटी में जिए हो, अगर आप अविश्वास में जिए होगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ वैसी ही मैनिफेस्ट हुई होगी, जिसमें डर है, घबराहट है, चिंता है। और अगर आप खुशहाली के साथ जियोगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जियोगे, तो आपकी लाइफ वैसी ही होगी जिसमें सब तरफ आनंद होगा, सब तरफ खुशहाली होगी। तो अगर आप ये मानते हैं कि मैंने आज तक जो जी रहा हूँ वो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, तो फिर आपको जीवन की समझ नहीं है। आप आज जो ज़िंदगी जी रहे हो ये एक्चुअली आपने ही मैनिफेस्ट की है अपने विचारों के द्वारा। और आगे भी अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको इस बात पर दृढ़ विश्वास करना होगा कि मैं वही मैनिफेस्ट करता हूँ जो मेरे विचार होते हैं। और जब आपको ये विश्वास होगा कि मेरे विचार ही मेरा ज़िंदगी का निर्माण करते हैं, तो फिर सफलता की कुंजी तो लग गई ना आपके हाथ में। आपको बस सोचना ही तो है, आपको सही दिशा में सोचना है, आपको सही दिशा में एनर्जी देनी है, सही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ आपको पॉजिटिवली सोचते रहना है, और सफलता आपके हाथ में होगी। और वो सफलता आपके हाथ में नहीं होगी, उस सफलता को आप मैनिफेस्ट करोगे, उस सफलता को आप अपनी दिशा में खींच कर लाओगे। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। और अगर कई लोगों को ऐसे भी लगता है
कि क्या मैनिफेस्टेशन करना ठीक होता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है? मेरी रीडिंग से भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी दिशा में लाइफ में लाने की कोशिश करें। देखो मैं उनको कभी ठीक नहीं समझती। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो व्यक्ति अपनी कार्मिक साइकिल्स में, उसके अपने कुछ रिलेशनशिप है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप एक कॉम्प्लेक्स लाइफ को इन्वाइट कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेकिन स्पिरिचुअल लॉज के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। आप स्पिरिचुअल रहकर अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति आपको अवेलेबल नहीं है या जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, उसको आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि मैं उसके साथ हूँ और उसने अपने कार्मिक को छोड़ दिया, वो मेरी तरफ आ गया। ये करके ना आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप अगर मैनिफेस्ट ऐसा कुछ करें तो वहाँ से दूसरे लोग भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको मैनिफेस्ट ही करना है तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन ना कीजिए। हाँ, इसकी बजाय आप ऐसा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि मेरे लिए जो बेस्ट लाइफ है वो मेरे पास है, मेरे लिए जो बेस्ट पार्टनर है वो मेरी तरफ दिशा में आए। तो आप यूनिवर्स को थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो आपके लिए चुनकर लाएगा ना, वो वास्तव में बेस्ट होगा, उससे ज़्यादा बेस्ट जो आप अपने लिए चुन रहे हैं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़ी सी समझ के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरे लोगों के लाइफ पाथ को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरे लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्टर्ब करने के लिए मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आप ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं और इससे जो मैनिफेस्ट होकर आएगा उससे आपको सच्ची खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपको भले ही वस्तु मिल जाएगी, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने का एहसास कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फेथ के साथ मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे जो मेरे बड़े ड्रीम, और अपनी सोल डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए, ज़्यादा हाई रैंक पर जाने के लिए, ज़्यादा यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए, अपने लिए खुद के लिए एक अबंडेंट लाइफ के लिए, अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, अपनी दिशा में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके लिए हेल्दी हों, जो आपके लिए अच्छे हों, उस तरह के मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस के बहुत करीब होंगे। अदरवाइज़ आप उलझ जाएंगे और आपको हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये भी आपके सफलता की चाबी है कि मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन कोई दो चार दिन में होने वाली चीज़ नहीं है कि मैंने, कुछ लोग कहते भी मैं दो महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। आप डिवाइन टाइमिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रयास जारी रखिए और एक दिन वो चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकती हूँ। इसलिए पहली चीज़ ये है कि आपको बिलीव, और खुद पर बिलीव कीजिए कि मेरी, मुझ में मैनिफेस्टेशन पावर है। अपनी ही मैनिफेस्टेशन पावर पर डाउट मत कीजिए और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उन लक्ष्यों को लिख लीजिए, राइट कर लीजिए और उनको बार बार रीड कीजिए, री रीड कीजिए। अपनी ज़िंदगी का एक परफेक्ट प्लान बनाइए, उस प्लान को रोज़ ड्रीम कीजिए, उस प्लान को रोज़ विजुलाइज कीजिए और उस प्लान को रोज़ाना पढ़ते रहिए आप अपने लिए। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए मतलब आपकी जो एक्शंस होंगे या आपके जो सर्कमस्टेंसेज होंगे या आपकी जो परिस्थितियाँ होंगी ना, ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज होंगी कि आप ऑटोमेटिकली उन गोल्स की दिशा में आप बढ़ते जाएंगे। कैसे होता है, दिस इज अ सीक्रेट, लेकिन होता है ऐसा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और जब भी आप कुछ प्लान बनाते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मन में ये बिलीव रखिए कि ये चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, मेरे सामने नहीं है, किसी डिफरेंट टाइमलाइन पर ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, घट चुकी है। मुझे तो केवल उस टाइमलाइन पर जंप मारना बाकी, बल्कि वो लाइफ तो है ही, वो सक्सेस तो मैंने अचीव कर ही रखी है, लेकिन वो किसी और टाइमलाइन पर है जहाँ पर बस मुझे अपने एफर्ट के साथ में जंप लगाना बाकी है। और इसलिए जब आपको ऐसा लगेगा कि जो मुझे चाहिए वो तो ऑलरेडी है ही, तो आप नीड वाली जो नीड होगी ना, जो आवश्यकता है, नीड है, उस एनर्जी में से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि जब आप नीडी एनर्जी में होते हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप डिज़ायर करो, आप ड्रीम करो और आप बिलीव करो कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप ड्रीम कर रहे हो, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी है ऑलरेडी। और आंख बंद करके ये सोचो कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप उस चीज़ का एंजॉय कर रहे हो, और उसके बाद में आपको कैसा फील हो रहा, उसको बैठकर उस फीलिंग को आप फील करो कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है और अब मैं इसको कैसे इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे फील कर पा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आप जब फील करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती हैं तो आपके जो मैनिफेस्टेशन की पावर होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है
अपनी जिंदगी में उस सक्सेस, जिस सक्सेस को आप खोज रहे थे, वो सक्सेस आपको मिलने लगेगी। और जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उससे उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं सक्सेस को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पावर को, और दिमाग में सारे दिन थॉट्स आपकी फियर की चल रही हैं, डर की चल रही हैं, फेलियर की चल रही हैं, तो आपके थॉट पैटर्न को, आपके बिलीफ पैटर्न को अपग्रेड कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको जो चाहिए और आप जो सोच रहे हैं उनमें मैच नहीं हो रहा, आपको जो चाहिए और आप जो कर रहे हैं उसमें मैच नहीं हो रहा। जो आपको चाहिए वैसा ही आपको सोचना है और वैसे ही एक्शन आपको लेते रहना है, तो ही आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे और अपनी सक्सेस को आप अचीव कर पाएंगे। और मेडिटेशन करने से मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ती है, तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि जितना आप कूल होंगे, जितने आप काम होंगे, उतना जल्दी आप फोकस कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। और जितना ज़्यादा फोकस लगता है उतना ही जल्दी मैनिफेस्ट होता है चीज़ें। और अपने शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, आप बोल क्या रहे हैं, बजाय इसके ये कहने के कि अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो, इसका मतलब आपको खुद ही डाउट है कि आपको ये सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बजाय इसके आप ये कहिए कि जब मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तब मैं ये कर लूँगा, या फिर क्योंकि मुझे अब ये नौकरी मिल गई है इसलिए अब मैं ये कर लूँगा। अगर इस तरीके से आप अपनी वर्ड्स को, शब्दों को चेंज करेंगे और दिन भर आपका ध्यान इस पर रहेगा कि आप वही कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वो आप वही सोच रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वही बोल रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो ये थी रीडिंग हमारी। मैं रीडिंग लूँगी, मैं रीडिंग लूँगी और उसके बाद जानना चाहूँगी कि आगे क्या है। तो प्लीज़ जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं कब मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे। एक चीज और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किसे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो, और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए।
इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस है, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, सब खत्म हो गए। कि वो एक धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पर एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है मेरी। बहुत दिनों की विश प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाई नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती है, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सही
नकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियाँ, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथ को सुदीप जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं।